वाह जीजा, आपका ये रूप सारे मेवाड़ वासियों को देखना चाहिए। धीरबाई जी, आप तो ऐसे व्यंग कर रही हैं जैसे हमने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। अपराध नहीं तो क्या है ये जीजा? यहाँ हम राणा जी के लिए अंजल छोड़ बैठे हैं और आप अपनी सखी की गोद भराई के समारोह को आयोजित करने में लगी हैं। दूसरों को निष्ठुर कहती हैं, अपनी निष्ठुरता पे तो दृष्टि डालिए। आपके मन में राणा जी के लिए जरा से भी चिंता नहीं? चिंता उन्हें होती है धीरबाई जी, जिनके मन में विश्वास नहीं होता। हमें तो हमारे पति और पुत्र दोनों के शौर्य पर पूरा विश्वास है। हाँ, पर आपके बनावटी कार्मिक विश्वास पर हमें किंचित मात्र भरोसा नहीं है। हमें तो डर लग रहा है कहीं आपका ये बचपना मेवाड़ को किसी संकट में ना डाल दे। सुना आपने सज्जा जीजा, सुना ये क्या कह रही है? ये कहना चाहती है कि हम ही बुरे हैं, सारी मुसीबतों की जड़ हम हैं। संकट का समय चल रहा है बहन, और ऐसे समय में जब हम छिप छिप कर रह रहे हैं, आपको राणा जी को संदेशा नहीं भेजना चाहिए था। आप भी ये कह रही है? यदि हमें राणा जी को लेकर कोई पूर्व आभास हुआ और हमने राणा जी की कुशलता को जानने के लिए कोई संदेशा भेजा उनको, तो ये अपराध है। न जाने जीजा आप पर कौन सा जादू कर देती है कि सारा समय आप भी जीजा 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 करती रहती है। आने दीजिए राणा जी को, हम भी उन्हें सब सच बता देंगे। कैसा सच? यही कि जब वो जीवन मृत्यु का खेल खेल रहे थे, तब हमारी जीजा उत्सव मना रही थी। लीजिए पानी पी लीजिए। थोड़ा जीजा, ये क्या हालत करवा दिया आपने? बहना ने तो प्रण लिया था कि जब तक राणा जी का कुशल संदेशा नहीं आएगा, ये अंजल ग्रहण नहीं करेंगे। आपने तो इनका प्रण तोड़वा दिया। रानी सा ने तो मेवाड़ नाथ के हाथ में पत्र देने के लिए कहा था, कहीं द्वारपाल के हाथ में पत्र देकर मैंने कोई भूल तो नहीं करती? लेकिन क्या करता, वो मान ही नहीं रहा था। एक बार मेवाड़ नाथ से बोल देते तो। सुंदर शांति आ रही है, भीनी भीनी सुगंध। जी बाबू, क्या लिखा है पढ़े? मेरे चंदा मेरे तारे मेरे पालन हारे, हम आपकी अन्य दो रानियों के साथ बिजोलिया में हैं। बिजोलिया? दिन तो यहाँ कैसे ना कैसे निकल जाता है, किंतु रातें आपके बिना हमारी रातें बहुत सताती हैं। सांझ ढले जब हम स्नान कर शैया पे आते हैं, हमारे भीगे शरीर की पोर पोर आपके शैया शौर्य की मधुर स्मृतियों में डूब जाती है। हमारे शरीर की सुगंध जो आपको प्रेम रस से भिगो दिया करती थी, अब आपके बिना हमारे ही अंग अंग को जलाती रही थी। सच आपकी बहुत याद आती है। कहीं आप किसी संकट में तो नहीं है? हम तो यूं भी आपके विरह में और कुछ सोचना ही नहीं चाहते, पर राजकोष ही बिजोलिया में हमारे साथ सुरक्षित है। मेवाड़ का राजकोष बिजोलिया में, और मेवाड़ की
सुंदर शांति वाली रानी भी बिजोलिया में ढेर कवर। अब हमारी बाहों में काब है। कौन है वहां? गौर से देखो सिपाहियों, यह है चूहा। और यह है बारूद की पोटली। इस पोटली को हम चूहे के दुम पे बांध देंगे। अब इस बारूद की पोटली में हम एक छेद कर देंगे। अब जहां जहां ये चूहा जाएगा, इस पोटली का बारूद फैलाता जाएगा। इस तरह देखो इस चूहे को, कैसे ये छोटा सा मामूली सा चूहा हमारे लिए बारूद फैला रहा है। और कोई इस चूहे को मामूली चूहा नहीं समझेगा। ये महज एक चूहा नहीं है, बारूद फैलाने के बाद ये हमारे दुश्मन के लिए आग और मौत का फरिश्ता बन चुका है, समझा तू? माशाल्लाह। हम इसी तरह अपने सारे चूहों को बारूद बांध बांध कर भीलों के जंगल में छोड़ देंगे। जब एक चूहा इतना बारूद फैला सकता है तो हमारे हजारों चूहे तो भीलों के जंगलों को बारूद से भर देंगे। और फिर हमारी एक चिंगारी भीलों के उस जंगल को जलाकर राख कर देगा। रहेगा भील और न बचेगा प्रताप। बचेगा तो सिर्फ चित्तौड़ के किले पर शान से लहराता मुगल यालिया चम। जंगल हो, जंगल हो, जंगल हो। तुम? हाँ, तुम यहाँ पर्दे के पीछे क्या कर रहे हो तुम? हम हमने तुमसे कुछ पूछा है, उत्तर दीजिए। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? सोच के उत्तर दे। न जाने अचानक कहाँ से विशेष प्रकार की सांत्री सुगंध आई। सुगंध पर हमने सूंघा तो माथो घूमने लागे हो। हम इसलिए सहारा लेने के लिए यहाँ आए। यूं हाथ लग गया यूं और वो गिर गया यूं। पागल हो गए हो तुम? नहीं, कोई सुगंध नहीं आ रही हमें। किस सुगंध की बात कर रहे हो तुम? आई थी, वहां से आई, हमने ऐसे सूंघी, वहां से चली गई। चुप हो जाओ द्वारपाल। हम पीपल में जल चढ़ाने जा रहे हैं। जब हम वापस आए तो स्थान स्वच्छ होना चाहिए। ठीक। द्वारपाल, द्वारपाल, तुमने सुना हमने क्या आदेश दिया तुम्हें? हमने सुना हुकुम। क्या आदेश दिया? क्या क्या लाऊं हुकुम? ध्यान से सुनो द्वारपाल, ये तुम्हारे लिए हमारी अंतिम चेतावनी है। सचेत और जागरूक रहना सीख लो तुम।
अन्यथा हम अरे वाह, हुक्म तो स्वयं बाहर पधारे हैं। चलो अच्छा है, खुद जाके पूछ लेते हैं पत्र पढ़ा या नहीं। राणा खेता जी उठिए ना। नत्ता उठिए। ये लड़के यहाँ खड़ा खड़ा के ख्वाब देख रहा है। अगर तू चाहता है कि तुझे और तेरे भाइयों को हम अपनी पनाह में रखें, तो जो सब कर रहे हैं वो तू भी कर। क्या कर रहे हैं सब? देख क्या कर रहे हैं सब, आंखें खोल कर देख। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इस छोटे से काम के लिए हम सारा दिन जाया नहीं कर सकते। और जल्दी हाथ चलाओ, हमें शीघ्र ही इन चूहों को रोकने का कोई उपाय खोजना होगा। बाजीराज, आपने सुना? बहराम खान इन चूहों पर बारूद बांध बांध कर तो पूरा जंगल ही चला देगा। नहीं नहीं मित्रों, ऐसा अनर्थ हो इससे पहले हमें इन्हें रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मित्रों, हमारे पास समय बहुत कम है और काम बहुत बड़ा। ठहरिए, नथा कहाँ है? बाजीराज, वो रहा नथा। नथा कहाँ जा रहा है? ये तो काली खान के पास जा रहा है, किंतु क्यों? बाजीराज, अवश्य ही ये हमारा भांडा फोड़ने जा रहा है काले खान के पास। बाजीराज, अब क्या करें? हमें आपका पत्र मिला तो हमें ऐसा लगा मानो रेगिस्तान की तपती धूप में प्रेम की ठंडी प्यार चल पड़ी है। ज्यादा से ज्यादा जितनी रसद इकट्ठी कर सकते हो कर लो, क्योंकि हमें चित्तौड़ तक का सफर तय करना है। और ध्यान रहे कि हमारे किसी भी सैनिक को खाने पीने की कोताही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में? क्या करने की योजना थी तुम्हारी? सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, जंगल को कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं रखा, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। अब कोई नहीं बचा सकता हमें, मुझे अपने परिवार को इस भीषण आग से बचाना ही होगा। मैं काले खान से जाकर सब कुछ साफ साफ कह दूंगा, सारे षड्यंत्र सारे बदले सब कुछ कह दूंगा और दया की भीख मांग लूंगा उसे। मैं आपका संकट क्या अकेले तुम्हारे परिवार पर ही है? हमारे सभी भील साथी राणा खेता जी गुरुवर, जब सारा जंगल जल जाएगा तो इनमें से कौन बचेगा? ऐसे में इन शत्रुओं के आगे घबरा कर घुटने टेकने से क्या होगा? हम कह रहे लगता साहस से काम लीजिए, हम है ना तुम्हारे साथ, विश्वास कीजिए हम पे,
हम जंगल भी बचाएंगे और जंगल में बैठे सारे लोगों को भी बचाएंगे। कैसे कैसे बचाएंगे आप? कैसे? 40,000 सैनिकों वाली सेना, पूरे जंगल को चूहे और बारूद से जलाने की घातक योजना। एक बार प्रताप, अब आपकी बुद्धि और शौर्य भी बहराम खान से नहीं बचा सकता, हमें नहीं बचा सकता। नहीं नथा, नहीं, अरे सुनो, हुजूर, हुजूर, काले खान जी, क्या बात? एक आवश्यक बात करनी थी आपसे। जल्दी बोलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हुजूर, वो हमारा एक जो भाई है। क्या? जी वो मैं परिवार में सबसे कायर, मूर्ख और डरपोक हूँ। क्या? जी जी हुजूर, यही सच है, इसलिए मैं बारूद से दूर भागता हूँ। मुझे ये भय है कि यदि मैं बारूद से जल गया तो। बच्चे, अब तुम जलो या मरो, और तुम अपने इस निकम्मे भाई को यहाँ पर किस लिए लेकर आया? वो इसलिए हुजूर कि मैं दूसरे कामों में बहुत अच्छा हूँ। दूसरे कौन से काम? भोजन, भोजन बनाना। हाँ हुजूर, मुझे सभी प्रकार के भोजन बनाने में बहुत आनंद आता है। हुजूर, आपकी इतनी बड़ी सेना, दिन प्रतिदिन इतना सारा भोजन बनाना पड़ता होगा, इसीलिए हुजूर आप मुझे इन भोजन बनाने वालों के साथ लगा दीजिए, मैं बड़ी लगन से काम करूंगा। हुजूर बहराम खान, इन निकम्मे भीलों पे फतेह पाने के लिए न जाने कैसे कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये परले दर्जे के बुजदिल हैं। जाओ जाओ और हमारे लिए लजीज खाना बना। जाओ आओ भाई नथा, हम भोजन की तैयारी करते हैं। चलिए, यदि फिर तुमने कोई ऐसा आत्मघातिक पग उठाया तो सोगल हमें एक लिंची की, जीवित नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। चकर पानी, हम नथा के परिवार और सभी भील भाइयों के परिवार को बचाने का कोई मार्ग ढूंढने जा रहे हैं। हम ऐसा कर ले यदि इससे पहले ये फिर अपना धैर्य खोता है। तो इस विषाक्त हार से बेहिचक मार देना इसे। धीर कंवर जी, अब आपका प्रेम ही हमें ये प्रेम पत्र आप तक पहुंचाने में हमारी सहायता करेगा। कुछ समय तक आपको मुख छिपाना पड़ेगा राव सुल्तान जी, चलें? जिस बूटी की हमें खोज थी वो हमें मिल गई। गुरुवर, ए लड़के, इधर आ, आके खाना बना। बस अभी आया श्रीमान। तो बस ये मैं तो बस ये पता करने आया था कि राणा जी ने पत्र पढ़ा या नहीं। उन्होंने पत्र पढ़ भी लिया है और पत्र का उत्तर भी दे दिया है। तेरा राणा जी का हुक्म है ये पत्र केवल
जुबेर भाई जी के हाथ में देना है। एक बार हुकम से बात करने का अवसर मिल जाता तो? क्यों, हम है ना, केवल हम बात कर सकते हैं हुकम के साथ, और कोई नहीं। हुजूर, हुजूर, आपने तो कहा था कि अगर हम मन लगा के चूहे पकड़ेंगे और औरों को भी इसमें सहायता करेंगे तो आप हमें इनाम देंगे। कल दिया था ना खाना? पर वो एक ही वक्त का खाना था मालिक, उतने में कैसे पेट भरता? दे रहे हैं खैरात तो ले ले तबर्रक समझ के, वरना मेरा दिमाग घुमा ना ये भी नहीं मिलेगा। जी हुजूर। हे एकलिंग जी, इसका अर्थ हुआ जो भोजन मुगल सिपाहियों को, वही भोजन इन भोले भाले लोगों को भी। क्या करेंगे हम? एकलिंग जी हमारी सहायता कीजिए। ए लड़के, क्या धीरे धीरे आज चला रहा है? देखता नहीं भिखारियों की कतार लगी है? चल फटाफट इनको खाना खिला और भगा यहाँ से। चल तो दाल क्यों खिला रहा है? अरे नामुराद, दाल सिर्फ मुगलों के लिए है, इनके लिए नमक और चावल है, समझे? हाँ, जो आगे श्रीमान। ओए, सुनो सभी लोग, इस दाल को कोई हाथ तक नहीं लगाएगा, ये वहां बैठे हमारे सैनिकों के लिए। चुपचाप यहाँ से चावल और नमक लेके चले जाओ यहाँ से, समझे? हुजूर, आपको और दाल चाहिए ना? हाँ हाँ ले आ। लीजिए हुजूर, ये लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट दाल है। क्या लजीज दाल है। अब खाओ, जितनी दाल खाना चाहो खाओ, जितनी दाल पीना चाहो पियो। दुष्ट मुगलों, अब हम आपको दाल ही दाल खिलाएंगे।